वाओ गाइस, देखो ये मेट्रो फूड बस, बाहर से तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है और इन्होंने डेकोर भी कर रखा है। सो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ब्यूटीफुल सा है। आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस देखो ये मेट्रो फूड बस, और चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। मैंने वैसे बहुत पहले सुना था कि यहाँ पर कोई बस है डबल ट्रैक की, सो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूड्स मिलते हैं। तो अब हम ट्राई करेंगे कि इसमें ऐसा क्या मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत पुराना है ये। अब मैंने तो कभी आई नहीं थी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और देखते हैं, लुक एट गाइस, क्या लग रहा है ये सीरियसली। अब अंदर जाके पता लगेगा कि इनके पास कौन कौन से फूड्स हैं, क्या है। ये हमारा नियर राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास है। तो आपको कभी भी यहाँ का फूड खाना हो, इस बस में ट्रैवल करना हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और ये गेट नंबर 2 जो कि आपके नियर है। सो देखिए बाहर से तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है और इन्होंने डेकोर भी कर रखा है। अब चलते हैं। क्या क्या है ये? कॉफी, चॉकलेट्स, चील, गार्लिक चिकन, बैड पिज़्ज़े, फ्राइड्स। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बहुत प्यारा है। सी ये है सिटिंग। सो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ब्यूटीफुल सा है। आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये है इनका मेन्यू और आप ये देख सकते हैं नीचे, दिस वन। ये देखिए बसेस की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ये कहीं और भी जगह पे होगी ऐसी बसेस। तो ये हमारे मेट्रो स्टेशन के नियर भी है राजेंद्र पैलेस। सो अभी देखते हैं कि इनकी सर्विस कैसी है। तो आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और आप इसका लुक और लाइटिंग देख रहे हैं कितनी फर्स्ट क्लास है। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए थे छोटे छोटे, जो जिन्होंने मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक की और बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने डबल ट्रैक का नाम सुना था बस, जो पहले चलती थी बहुत सालों पहले, मैं कभी लेकिन बैठी नहीं थी, बट आज मैंने इसका एक्सपीरियंस भी ले लिया। और सीरियसली गाइस बहुत अच्छा है, और आप लोग आएँ और यहाँ पर ट्राई करें। और ये देखिए कितना साफ सुथरा क्लीन सब कुछ है, और लाइटिंग देखिए इसकी। और सीरियसली बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर आने के लिए, थैंक्स। और आप देख सकते हो इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आऊँगी अपनी फैमिली को लेके।